Shanti. यह है 9/11/68 का प्रातः क्लास. रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपन को रूह या आत्मा समझ करके बैठे हो? देह के भान में, देह के संबंधियों की याद में, देह के पदार्थों की याद में तो नहीं बैठे हो? पूछने वाला रूहानी बाप है. बाप ये तो जानते हैं कि ये कुछ कठिन है. क्यों? क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है देह को याद करने की. अपनी देह को याद करते रहे, पराई देह को याद करते रहे, देह के पदार्थों को याद करते रहे. अब ये नई बात आ गई. रूहानी बाप ने अपनी पहचान दी, हम बच्चों को अपनी पहचान दी कि तुम तो आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, तो ज्योति बिंदु की याद में बैठे हो और आत्मा के बाप की याद है. इसमें ही मेहनत है. जो आत्मा अभिमानी होकर के बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है. देह अभिमानी होकर बैठे हैं तो महावीर नहीं हो सकते. अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको ही महावीर कहा जाता है. माया तो इंटरफियर करती है, परंतु माया की इंटरफियरेंस को चलने नहीं देते. कौन? महावीर. तो हमेशा अपन से पूछते रहो, हम आत्मा अभिमानी हैं. स्मृति में ज्योति बिंदु आत्मा याद है. याद से ही महावीर बनते हो. गोया याद से तुम सुप्रीम बनते हो. सुपरमेसी आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, इन्फीरियरिटी नहीं आती है. अर्थात अपने को नीचे नहीं समझते हो. क्या समझते हो? हम ऊंचते ऊंचे बाप के ऊंचते ऊंचे बच्चे हैं. क्योंकि और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, क्योंकि उनके धर्म पिता हैं सुप्रीम तो है नहीं. सुप्रीम बाप हैं क्या? और तुम्हारा बाप सुप्रीम बाप है, उसका कोई बाप है नहीं. वो धर्म पिताएं तो आते ही देरी से हैं, परमधाम से. तो देरी से आने के कारण वो ऑलराउंड पार्ट बजाते नहीं, और तुम तो ऑलराउंड पार्ट धारी हो. ऑलराउंड पार्ट धारी को हीरो कहा जाता है. ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का ही होता है.
तो तुम नंबर वार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है, हम आत्मा हैं, हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। और धर्म के जो हैं वो भी प्रैक्टिस तो करेंगे आत्म की स्थिति में रहने की, लेकिन अंत में फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। और तुम आत्म की स्थिति में पास हो जाओगे। ये भी जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 10% दिखाते हैं, कोई तो कहते हैं हमें 24 घंटे याद ठहरती है, कोई कहते हैं आधा घंटा ठहरती है। तो बताओ परसेंटेज कितना हुआ। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो संभाल रहेगी, देहभान में रहेंगे तो माया रावण अर्थात कोई सूक्ष्म शरीरधारी स्त्री चोला, कोई सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष चोला अटैक करेगा। कब अटैक करेगा? अगर देहभान में अंत में रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय जो आने वाला है उसमें विनाश की विभीषिका बड़ी जोर से सामने आने वाली है। दुनिया में चारों ओर मौत का बाजार लगेगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप आवेंगे। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हो वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लगेंगी, और उनमें रहने वाले लोग अचानक मौत को पाएंगे। अकाल मृत्यु ढेर की ढेर होगी। तो सूक्ष्म शरीरधारी ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? ढेर के ढेर पाप आत्माएं, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत चारों ओर संसार में मंडराएंगे। वो अपना आधार ढूंढेंगे, अपना घोड़ा ढूंढेंगे, तो जो जो देहभान में होंगे उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और आत्मा ज्योति बिंदु दोनों में ज्यादा पावरफुल ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर वो होता ना सूक्ष्म नहीं है। इसलिए जो अति सूक्ष्म आत्मा है वो पावरफुल रहेगी, उसमें कमजोर आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। क्या नहीं तो क्या होगा? ये माया भी जो है ना, भूत प्रेत संपदा है, ये पकड़ लेंगे। धीरे धीरे महावीर बनना है। क्या ऐसे नहीं एक ही दिन रात भर बैठ जाओ? धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है, फट से तो नहीं बन सकते। इसमें मेहनत है,
वो जो दुनियावी ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है ऐसे मत समझो, वो कोई अपन को आत्मा समझते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मज्ञानी है। किसका ज्ञान ज्यादा रखते हैं, किसकी हिस्ट्री ज्यादा सुनाते हैं? ब्रह्मा की। तो उनके लिए ऐसे ही नहीं समझना कि वो कोई सदैव अपन को आत्मा समझते हैं, क्योंकि बाप ने कहा है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। बेसिकली जिनकी कट उतरती जाएगी, बेसिक पढ़ाई में कट भी कैसी उतरेगी? बेसिक कट उतरेगी। जो सूक्ष्म कट है जन्म जन्मांतर की, वो एडवांस ज्ञान से उतरेगी, एडवांस याद से उतरेगी। तो जो बेसिक कट है जिनकी उतर जाती है आत्मा की, आत्मा रूपी सुई निर्मल बन जाती है, वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। तुम अनुभव करते हो क्या कि हम डायरेक्ट बाप से सीखते हैं और वो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है? वो ब्रह्मज्ञानी डायरेक्ट बाप से नहीं सीखते हैं, वो जरूर देवान में रहने वाले हैं। इसलिए आत्माओं के बाप को अभी तक भी पहचान नहीं पाए हैं कि साकार में वो निराकार बाप कैसे मुकर्रर रथ में कार्य कर रहा है। तुमको तो पता हो गया, वो तो अपन को ही परमात्मा समझते हैं। क्या कैसे? बड़े बड़े पोस्टर छपावेंगे, उन पोस्टर्स में ऊपर निराकार और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र में अपना चित्र लगाए देंगे। तो तीन त्रिमूर्तियों में समझते हैं कि शिव हमारे में प्रवेश करता है, वो अपन को भगवान समझ लेते हैं, परमात्मा समझ लेते हैं। बाकी योग किसके साथ लगाते हैं? अपने साथ योग लगाया जाता है क्या? एक दूसरे के साथ योग लगाता है, वो तो अपन को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। और फिर कोई ब्रह्म तत्व को याद करते हैं क्या? ब्रह्म तत्व वो तो आत्माओं का घर है ना, है ना? ऐसे ही जैसे ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट किसका घर है? आत्माओं का घर है। ब्रह्मा से सृष्टि रची जाती है ना, तो कहां से निकलती है? क्या कोई स्थूल पेट से निकलती है? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो संकल्प कहां से निकलते हैं? बुद्ध रूपी पेट से जो संकल्प की सृष्टि रची जाती है, उसमें से ढेर की ढेर आत्माएं टाइम टू टाइम निकलती रहती है। वो ब्रह्म तत्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है। वो ब्रह्म तत्व कोई भगवान नहीं है, वो जड़त्व में ही तत्व है। क्या? जैसे पांच तत्व जड़ होते हैं, ऐसे ब्रह्म तत्व भी जड़त्व में ही तत्व है। जैसे ब्रह्मलोक तुम साकार सृष्टि पर उतार लेते हो, जहां सब आत्माएं आत्मिक स्टेज में इकट्ठी होकर रहती है, उतारते हो कि नहीं? उतारते हो। जब आखिरी विनाश होगा
तो सृष्टि की समस्त आत्माओं को बाप का संदेश मिलेगा या नहीं? तो सबकी बुद्धि कहाँ लटक जाएगी? बाप के पास। बाप कहाँ होगा उस समय? परमधाम में होगा। बाप तो साथ लेके जावेंगे, तो कहाँ होगा? साकारी परमधाम में होगा, जहाँ जो भी ब्राह्मण आत्माओं का संगठन होगा, आत्मिक स्थिति में रहने वालों का संगठन होगा, उन आत्मिक स्थिति में रहने वालों का बाप और बच्चे साथ साथ रहे पड़े होंगे। जो प्रैक्टिकल में साथ नहीं भी होंगे, बाहर की दुनिया में होंगे, उनका भी बुद्धि योग कहाँ लटक जाएगा? बाप के पास ही लटक जाएगा। तो मन बुद्धि रूपी आत्माएं साकार ब्रह्मलोक की वासी बन जावेंगी, क्योंकि उस समय ताबड़तोड़ विनाश हो रहा होगा। जब अपने सर के ऊपर डंडा बजता है तो बुद्धि एकाग्र होगी कि नहीं होगी? तो वो तत्व योगी तो ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं। उनसे पूछो, तुम अपन को परमात्मा समझते हो तो योग किससे लगावेंगे? घर से थोड़े योग लगाया जाता है, हैं? अगर साकार परमधाम भी बनेगा तो जिन्होंने लंबे समय तक वहां अपना जीवन बिताया है, लौकिक जीवन, उनको क्या याद आवेगा? वो स्थान तो याद आवेगा, लेकिन बाप, बाप याद नहीं आवेगा। अभी तुम बच्चे अपन को आत्मा समझते हो, तो अपना ये चार्ट देखना है कि 24 घंटे में हम कितना अपना चार्ट रखते हैं। क्या रोज शाम को थोड़ा नोट करो, नोट करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो फिर चेंज भी कर सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। क्या? गॉडली सेवा पर हैं। हम डॉगली सेवा पर? क्या होती है? हमें कोई डॉग डायरेक्शन देता है क्या? हाँ? हमें डायरेक्शन देने वाला कौन है? हमें डायरेक्शन देने वाला गॉड है। डायरेक्ट गॉड से हम डायरेक्शन लेते हैं, फिर कोई काम करने के लिए कदम उठाते हैं। जो डॉगली सर्विस पर रहते हैं उन्हें किसका डायरेक्शन मानना पड़े? हैं? सारी दुनिया डॉगली सर्विस पर है, तो डॉग एंड विचेस के डायरेक्शन पर चलना पड़ता है, और तुम गॉडली सर्विस पर हो। ऑन गॉडली सर्विस ओनली। क्या? हम सिर्फ गॉडली सर्विस पर हैं। ये बात सभी को बताना है। क्या हम जिस बाप के बच्चे हैं, हम सिर्फ उसी की सर्विस में रहते हैं और कोई दूसरे की सेवा में हमने अपना तन मन धन नहीं लगाते? तो बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव। क्या करो? मन को मेरे में लगाओ, मेरे सिवाय और कोई में न लगाओ। अगर देवान में होंगे तो मनमना भव की जगह तंतना भव हो जाएगा। और तनधारी तो ढेर के ढेर है, एक है क्या? तो विभिचारी योग हो जाएगा। और विभिचारी योग हो गया तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही पाप बढ़ जाएंगे।
तो ये तुम्हारी सर्विस है। जितनी सर्विस करेंगे उतना तुमको फल भी मिलेगा। ये बात अच्छी रीति समझने की है। क्या कि अपन को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ बड़ा भारी है, क्योंकि मन मना भव बनेंगे, मन सिर्फ मेरे में ही लगावेंगे, मेरी ही सर्विस में रहेंगे, तो याद कौन आएगा? बाप ही याद आवेगा। कोई राष्ट्रपति की सेवा में तैनात किया जाए तो उसे कौन याद आएगा? राष्ट्रपति याद आएगा। तुम सिर्फ मेरी ही सर्विस में रहते हो तो मेरी याद जरूर आवेगी, और जितना सर्विस में रहेंगे उतना तुमको फल भी मिलेगा। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। बाप तो बच्चों को क्लियर करके समझाते हैं, पिछाड़ी तक भी पुरुषार्थ करती रहना है। क्या? मैं आत्मा हूँ, ये तुम्हारी तपस्या है। क्या उल्टे लटकने की, एक पांव पे खड़े होने की, या ऊपर हाथ करके खड़े होने की, या आग के बीच में खड़े होने की, बैठने की तपस्या नहीं है। क्या तपस्या है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ है, बाप को याद करो। बल कोई कोई कह देते हैं हम तो बाबा को ही याद करते हैं, परंतु जो ऐसे कह देते हैं कि हम बाबा को ही याद करते हैं, वो यथार्थ रीति समझते नहीं। इसमें तो बड़ी मेहनत है। क्या 24 घंटे कोई याद करे, इस बात में तो बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं जो चार्ट बनाकर भेज देते हैं, बाबा के पास उनका चार्ट पहुंचता है। जब लिखने बैठते हैं तब ही पहुंच जाता है। कोई कोई महारथी है जो समझते हैं हम महारथी हैं, उनसे तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। उनको ज्ञान का अहंकार बहुत है। बाकी याद में बैठे हैं, वो मेहनत तो पहुंचती ही नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल बात है याद की, अपने पर घड़ी घड़ी नजर रखनी है कि हमारा याद का चार्ट कैसा है, कितनी देर हो गई, कब से हमने बाप को याद ही नहीं किया। चेकिंग करते रहो, ये बात नोट करनी है। चार्ट रखना महारथियों से पहुंचता नहीं है। वो कहेंगे हम तो इतनी सेवा में रहते हैं जो हमें फुर्सत ही नहीं है। अगर याद की यात्रा में तुम्हें फुर्सत नहीं है तो ऐसी सेवा का क्या फायदा? कोई को ज्ञान सुनाया, सुनाते समय बाप की याद है ही नहीं, बाप के लिए प्यार है ही नहीं, छूछा ज्ञान सुनाई दिया, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा? असर ही नहीं पड़ेगा। ज्ञान की तलवार में जौहर ही नहीं है याद का, वो बाप के प्रति आंखों में प्यार ही नहीं है, आवाज में वो कशिश ही नहीं है, तो सर्विस क्या करेंगे?
तो बाप कहते हैं अगर याद की यात्रा में फुर्सत नहीं है तो फिर ज्ञान की यात्रा कैसे होगी। मूल बात तो है बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ अलफ को याद करो। ये क्या कहा है? आत्मा समझ करके अलफ को याद करो। क्यों नुक्ता को बिंदु को क्यों ना याद करें? अरे आत्मा में वो आत्मा का स्वरूप परमात्मा तो आ ही गया। जब हमने आत्मा को याद किया तो आत्मा में आत्मा के बाप का रूप आ गया कि नहीं आ गया? वो तो आ ही गया। फिर साथ में क्या करो? वो आत्मा का जो स्वरूप है, सुप्रीम बाप का जो स्वरूप है, वो किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है? वो अलफ है। अलफ अर्थात पहला, अव्वल नंबर है। अल्लाह आते हैं तो अल्लाह कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। द्वयम नंबर धर्म की स्थापना दूसरे नंबर का आदमी करेगा, और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना जो दुनिया में पहले नंबर का आदमी है उसे कहते हैं आदम। तो अगर उस आदम को, अलफ को, पहले नंबर को पहचाना ही नहीं तो कहेंगे बाप की याद है? याद ही नहीं है। तो यहां जितना समय आप बैठते हो तो सच सच अपने दिल से पूछो, हम कितना समय बाप की याद में रहे और कितना समय बुद्धि देहदारियों की याद में भटकती रही। यहां बैठे बैठे भी बल दृष्टि लेते हैं, नींद में चले जाते हैं। दृष्टि लेते लेते कोई थोड़ा सा खड़ा हो गया बस उधर ही दृष्टि चली जाती है। याद की यात्रा में पूरा रहने वाले की निशानी बताई मुरली में, उसके नेत्र एक टक हो जावेंगे। क्या नेत्र को देखने से ही पता चलेगा कि इसकी मन बुद्धि ऊंचते ऊंच बाप की ओर टिकी हुई है। दृष्टि चलायमान हो नहीं सकती। तो अपने दिल से पूछो, जब यहां बाप के सामने बैठते हो तो याद में स्थिरियम रहते हैं? क्योंकि यहां जब बैठते हो तो तुमको खास याद में रहना है। यहां बैठ करके ही, बाप के सन्मुख बैठ करके भी अगर याद में नहीं रह सके तो बाहर की दुनिया में तो माया तुमको पूरा ही हप करेगी। या तो याद में रहो, या तो फिर बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराओ। अगर चक्र फिरावेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। ज्ञान का चक्र फिरावेंगे तो चक्र में आत्मा का चक्कर तो 84 का चक्कर आ ही जाएगा। पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना? अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा? नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ
कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी, नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहे, कहीं कोई पार्टी ले जावेगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो पवित्र और पूरा सतोपदान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे। कई तो फट से इन बातों को भूल जाते, क्यों है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं क्या? द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए तो बाप से दूर हो गए। तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? हाँ, उनकी निशानी ये दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी, और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाप को फट से भूल ही जावेंगे। ऐसे बच्चे फिर सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते भी नहीं है। ऐसे बहुत महारथी भी हैं जो कब सच नहीं बतावेंगे, आधा कल्प झूठी दुनिया चली है तो झूठ जैसे उनके अंदर में जम गया है। क्या कैसा जम गया है? जो कवियों ने भी लिख दिया, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ छबेना। बाप को पोता मिल देंगे तो भी कैसा देंगे? झूठ ही झूठ पोता मिल लिख देंगे। तो इससे भी जो साधारण है वो तो झट चार्ट लिखेंगे, जो महारथी समझे जाते हैं वो तो कब लिखेंगे ही नहीं। उनको तो अपने ज्ञान का ही अहंकार रहता है, है? जगदीश भाई महारथी था या नहीं था? है? सारा ब्राह्मण परिवार उनको महारथी समझता था या साधारण पुरुषार्थी समझता था? फिर रिजल्ट क्या आया है? वो अपने मुख से ही कहते थे मेरे जिंदगी का लक्ष्य है बाप को प्रत्यक्ष करना। फिर शरीर छोड़ने के बाद संदेशी में प्रवेश किया तो रो रहे थे कि मैंने जो विरुद्ध लिया उस विरुद्ध को मैं पूर्ण कर नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो भी सर्विस की ढेर ब्रह्मा कुमारियों को माउंट आबू में इकट्ठा करके बाप के बारे में झूठा ज्ञान सुनाया, विपरीत ज्ञान सुनाया, विपरीत ट्रेनिंग दी या सही ट्रेनिंग दी? एकदम विपरीत बातें बुद्धि में भर दी। अब उन कुमारियों को कितना भी समझाओ वो सुनने से ही इनकार कर देंगे। तो वो बड़े बड़े महारथी समझते हैं, हम तो बड़े भारी ज्ञानी। जैसे दुनिया में होता था बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी
दुनिया के सामने अपन को क्या समझते थे? हम तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो दुनिया वालों से खूब मान मर्तबा लेते थे या नहीं लेते थे? खूब मान मर्तबा लेते रहे। अभी भी चांदी के सिंहासनों पर बैठते हैं। कोई राजा से अपने को कम नहीं समझते। उनों को अपने ज्ञान का अहंकार बहुत रहता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती रहती है। बाप कहते हैं, अब तुम बच्चे पापों को भस्म करके पावन बनेंगे तो सिर्फ याद की यात्रा से ही बनेंगे। क्या कोई कहे हम सेवा खूब करेंगे तो हमारे पाप कट जावेंगे? बाप कहते नहीं, हम अच्छे से अच्छी धारणा दिव्य गुणों की करेंगे तो हमारे पाप कट जावेंगे? बाप कहते नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। कोई कहेंगे हम सारा समय मुरलियां पढ़ेंगे, खूब ज्ञानी बन जावेंगे। तो सिर्फ ज्ञान उठाया और दूसरों को ज्ञान सुनाया, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। बाप के प्रति वो प्यार पैदा नहीं हो पाया। तो सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे तो बाकी क्या फायदा हुआ? तुम तो बाप को पुकारते ही हो ना, किस लिए पुकारते हो? हे बाप आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? बाप किस लिए आता है? ब्रह्मा के तन में आता है, ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर हम पावन अपने आप बनते रहते हैं। क्या ऐसे है? अपने आप कैसे पावन बनेंगे? वो समझते हैं बाप जो ज्ञान सुना करके गया, हम उस ज्ञान में बड़े प्रकांड विद्वान हैं। हमने जितना जिंदगी भर ज्ञान सुना है ब्रह्मा के मुख से, इतना कोई ने भी नहीं सुना है। हम बड़े भारी ज्ञानी हैं। तो ज्ञान से पावन बन जावेंगे? जो भी सुना उसका मंथन कितना किया, उसका चिंतन कितना किया, उसमें से मक्खन कितना निकाला, ज्ञान की गहराई को कितना समझा, वो तो उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। इसके लिए चाहिए याद की यात्रा। क्या ज्ञान का मंथन भी उनका चलेगा जो याद करते करते अति सूक्ष्म अपनी आत्मा को बनाएंगे। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा याद की यात्रा से सूक्ष्म बनेगी तो गहराइयों में जाएगी। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। अगर आत्मा सूक्ष्म न बने तो ज्ञान की गहराई को समझ सकेगी? नहीं। कोई ठर बुद्धि होते हैं, मोटी बुद्धि होते हैं, वो ज्ञान की गहराइयों को समझ जाते हैं? नहीं समझ सकते। तो बाप तरीका बताते हैं। बेसिक में तरीका बताया, बेसिक नॉलेज में ये बेसिक ज्ञान दिया कि आत्मा बिंदु तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। अब बेसिक में जिन्होंने ज्योति बिंदु बाप को और ज्योति बिंदु आत्मा को बेसिकली याद किया, तो बिंदु को याद करते करते बिंदु सूक्ष्म बनेंगे या स्थूल बनेगी बुद्धि? उनकी बुद्धि सूक्ष्म बन गई। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी उन्होंने सूक्ष्मते सूक्ष्म बाप को पहचान लिया।
तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए। बाप के आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है, पावन बनाना है। बेसिक नॉलेज में भी तुम्हारी बुद्धि कुछ न कुछ आत्मरूपी सोई पावन बने, सूक्ष्म बने, तो तुमने बाप को पहचाना। तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो गया। कहते थे ना तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर भी बदल जाते हैं। तो तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो गया, अब तुम गहराई से पवित्रता का अर्थ समझते हो। पावन आत्मा कैसे होती है, सहज रीति क्या है जो निरंतर याद कर सके। वैसे कि मैं बिंदु को याद करते थे बाप को, किसको याद करते थे, बिंदु बाप को। अभी तुमने प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले बाप को पहचान लिया मुकर्रर रथ में, तो बेसिक में याद करना ज्यादा कठिन था, ज्यादा सहज था या अभी ज्यादा सहज है? क्योंकि 63 जन्म साकार को याद करने की रग पड़ी हुई है और याद को कन्वर्ट करने की भी रग पड़ी हुई है। बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है, जब तक शिशु रहता है मां को ही याद करता है, फिर बड़ा होता है मोहल्ले में खेलने जाता है मित्र संबंधी याद आने लग पड़ते हैं। याद कन्वर्ट हुई कि नहीं? फिर स्कूल में जाता है टीचर को याद करता है, याद कन्वर्ट हुई कि नहीं? फिर बड़ा होता है प्रोफेसर और लेक्चरर याद करने याद लगने पड़ते हैं, याद होने आने लग पड़ते हैं। नौकरी करता है तो जो उसके ऑफिसर हैं, जो उसने लक्ष्य लिया हुआ है कि हम भी नौकरी में तरक्की पावे, तो ऑफिसर याद कर आने लग पड़ते हैं। शादी होती है तो सब भूल जाते, कौन याद आने लग पड़ता है, घरवाली याद आने लग पड़ती है। तो ये याद कन्वर्ट होती रहती है जन्म जन्मांतर। तो यहां बेसिक में बिंदु को याद करते थे, वो कठिन याद थी। अभी हमें साकार में निराकार का रूप पता चल गया, वो भी कोई सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो एक को याद करना सहज या सर्वव्यापी को याद करना सहज? एक को याद करना सहज। तो एक को याद करते हो तो तुम पावन बनते हो, क्योंकि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण एक दादी को याद करेंगे, दूसरी दीदी को याद करेंगे, तीसरे दादा को याद करेंगे, तो व्यभिचारी याद हुई या एक व्यापी याद हुई? व्यभिचारी याद हो गई। तो पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का तरीका तो एक ही बताया मुरली में, माम एकम याद करो। अगर दो को भी याद किया तो भी पावन नहीं बन सकेंगे, तो भी व्यभिचारी हुए। तो तुम पुकारते ही हो पावन बनने के लिए, तो मैं एक व्यापी होकर आता हूं। इसके लिए तुम्हारी एक्यूरेट याद चाहिए। क्या भक्ति मार्ग में तुम एक्यूरेट याद नहीं करते थे, बुद्धि भटकती रहती थी,
कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, गुरुद्वारों में। मुसलमान का जन्म लेंगे तो कहां बुद्धि जाती थी? मस्जिद में, जामा मस्जिद में, काबा में। और यहां तो तुम्हारी बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल गया। तो हरेक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहां तुम पौना घंटा भी याद में बैठते हो तो पौने घंटे में भी हम कितना समय बाप को आत्मा समझ याद में रहे। ये चार्ट निकालो। कईयों को तो सच बताने में बड़ी लज्जा आती क्योंकि जानते हैं, हैं? जब यहां बैठते हैं तो बाप तो दृष्टि देते हैं लेकिन ऐन मौके पर सो जाते हैं। और जब याद का टाइम पूरा हो जाता है तो जग जाते हैं। तो सारा टाइम पौना घंटा जो या एक घंटा याद में बैठे वो क्या हुआ? सारा रद्द हो गया। तो उनसे पूछा जाएगा कितनी याद में बैठे तो क्या कहेंगे? बतावेंगे नहीं, बताने में बड़ी लज्जा आवेगी। फिर बाप को सच सुनाते ही नहीं है। हाँ, ये समाचार तो देंगे बाबा के पास आकर कि बाबा हमने ये सर्विस की। अरे बाबा को बताने की क्या दरकार है? हमने ये सर्विस की ना, पता नहीं है बाबा जानी जाना नहार नहीं है। बाबा जानी जाना नहार नहीं है। जानी जाना नहार तो अंतर्यामी तो वो ही है जिसे बाबा कहा जाता है। वो तो साकार निराकार का मेल है ना, वो अंतर्यामी नहीं है, वो जानी जाना नहार नहीं है। लेकिन तुम्हारी सर्विस का जो रिजल्ट जाता है, भट्टी करने जाते हैं कि नहीं है? और जो भट्टी करने जाते हैं उनकी अवस्था का समाचार बाबा के पास पहुंचता है कि नहीं? कितना ध्यान से सुनते हैं भट्टी में, कितना वायरे होके बैठे हैं। तो बाबा के पास तो एक एक का सारा समाचार पहुंच जाता है ना कि किसने कैसी सर्विस की। कोई तो ऐसे ही उठा के ले आते, भगवान आया हुआ चलो दिखाई ले। तो समाचार देंगे हमने ये सर्विस की, इतने को समझाया, हमने ये किया। परंतु वो अपनी याद की यात्रा का चार्ट कब नहीं बतावेंगे। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। क्या तीर में वो जौहर नहीं है जो किसी को घायल कर दे, या यूं कहें कि ज्ञान तलवार में जौहर नहीं है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी वो परमात्मा के प्रति प्यार जिसे योग कहा जाता है वो तीर लग जाए वो ही मुश्किल हो जाता है। बाबा तो कहते हैं पौना घंटे में 5 मिनट भी एक्यूरेट याद में नहीं बैठते। उस समय की बात बताई, किस समय? 68 की वाणी है। अभी कुछ बच्चों ने कवर किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ, तो बच्चे समझते नहीं है कि कैसे अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करे। कई तो कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था अभी कोई की नहीं हो सकती। अंत में 8 ही निकलेंगे जिनकी निरंतर याद की स्टेज होगी।
अगर निरंतर अभी याद में हो जावे तो कर्मातीत अवस्था हो जावे। कैसी अवस्था हो जावे? कर्म जो कर्मेंद्रियों से करते हैं, उन कर्मेंद्रियों के कर्म करने से मन बुद्धि बिल्कुल उपराम हो जावे। कर्मेंद्रियों से कर्म भले करेंगे लेकिन उसका पाप पुण्य उनको छू नहीं सकता। जो बात वो झूठी गीता में भी विद्वान पंडित आचार्यों ने समझ ली, उन्होंने भी लिखा है कि योग निष्ठा में जो रहने वाला है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता। अब हत्या तो कर्मेंद्रियों से ही करेगा, लेकिन कर्मेंद्रियों से हत्या करते हुए भी उसका बुद्धियोग किसके साथ जुड़ा होगा? बाप के साथ जुड़ा होगा। तो बाप उसे एक्यूरेट कर्म कराएगा या गलत कर्म कराएगा? कभी विनाश भी जरूरी है या नहीं है? तो जब विनाश जरूरी है तो विनाश कराया। तो बोला ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है तब होती है कर्मातीत अवस्था। इस कर्मातीत अवस्था में मेहनत है क्या? है? कर्मातीत अवस्था में मेहनत है। मान लो आंखें हैं, आंखें भी इंद्रियां हैं कि नहीं है? है इंद्रियां। आंखों से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? और आंखों से पाप कर्म बनता है या नहीं बनता है? आंखों से लगाव पूर्वक किसी को लगातार देखा तो जिसको देखेंगे अगर वो थोड़ी अबला आत्मा है तो प्रभाव में आवेगी या नहीं आवेगी? और जो प्रभाव में आवेगी उसको याद आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो याद सताएगी या नहीं सताएगी? है? फिर वो याद सताएगी। और जब देहधारी की याद लगातार सताएगी तो पाप कर्म बनेगा पुण्य कर्म बनेगा? तो जिसने ये दुष्कर्म किया और जिसने कराया दोनों को पाप लगेगा कि एक को लगेगा? दोनों को पाप लगेगा। अब वो तथाकथित जो ब्राह्मण योग लगाते हैं वो तो चार चार घंटे आठ आठ घंटे सारी सारी रात याद में बैठ जाते हैं और आंखों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो कम उम्र की कन्याएं माताएं उनकी दृष्टि विचलित होती होगी या नहीं होती होगी? फिर वो भागेंगी या नहीं भागेंगी? आश्रम का नाम बदनाम होगा या नहीं होगा? आश्रम का नाम बदनाम होगा। बाप का नाम ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज कहेंगे नहीं रखी। तो इंद्रियों से पाप कर्म भी होता है और इंद्रियां पाप पुण्य से परे भी हो जाती है। वो कब होंगी? बाप की निरंतर याद रहे। क्या? निरंतर याद रहे तो उस दृष्टि से जो आठ निकलेंगे वो देखेंगे कोई को तो भी उनका कोई पाप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था कर्मातीत स्टेज बनाई हुई है। परंतु इसमें मेहनत है। क्या? इंद्रियां ऐसी साक्षी बन जाएं, इस बात में बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक
कोई ऐसे थोड़े ही बन जावेंगे क्या? विश्व का मालिक तो एक होगा, लेकिन सारे विश्व को कंट्रोल एक कर लेगा या कोई सहयोगी बनेंगे? तो जो सहयोगी बनेंगे वो नंबर वार विश्व के मालिक नहीं हुए? वो भी तो नंबर वार विश्व के मालिक हुए ना। माया तुम्हारी बुद्धि का योग झट कहां ना कहां ले जाएगी। तो मित्र संबंधी मिटमेट याद आते रहेंगे, किसको विलायत जाना होगा तो मित्र संबंधी स्टीमर याद ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो जरूर खींचती रहेगी बुद्धि को बार बार। क्या बाबा से पूछते हैं कोई कोई, बाबा विलायत में जावे? अरे अपना देश भूल गया, ये भी भूल गया कि बाप कहाँ आते हैं सेवा करने के लिए? हाँ? भारत, विदेशों में तो नहीं जाते, तो बाप भारत में आते हैं और बाप के बच्चे सेवा करने के लिए विदेशों में जाते। तो बाप कहते हैं विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन सकेंगे। बुद्धियोग बिल्कुल ही टूट जाता है, तो और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे। ये अपनी देह भी याद ना आए। आत्मा को प्यार तो होता है, मित्र संबंधियों से भी प्यार होता है, वस्तुओं से भी प्यार होता है, हैं? होता है कि नहीं? होता है। तो जिससे प्यार होता है वो बार बार याद आता है, लेकिन वो खींचे नहीं बुद्धि को। कोई भी देहधारी की याद ना आए, दूसरे देहधारियों से ज्यादा प्यार होता है या अपने शरीर से ज्यादा प्यार होता है? कोई को भी शरीर से। बल कह देते हैं हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हमें मौत की परवाह नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आत्मा को सबसे पहले अपने आत्मा से प्यार होता है, फिर अपने शरीर से प्यार होता है, फिर शरीर के जो गहरे गहरे संबंधी हैं उनसे प्यार होता है। गहरा से गहरा संबंध किसके साथ जुड़ता है? है जो अंत समय में जरूर याद आ जाता है, किसके साथ होता है? हाँ, एक माता ने तो बताया, दूसरी माता चुप बैठी है, बताती ही नहीं। देह के पति के साथ संबंध होता है, पति है उसको पत्नी के साथ संबंध होता है, देह याद आती है। तो जो देह की याद आती है, जीवन में जो ज्यादा याद आएगा अंत समय में वो याद आ जाएगा, तो अंतमते सुगते हो जाती है। तो ये अपनी देह भी याद ना आए, क्या अपनी देह भी याद ना आए? कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको अंत समय में अपनी देह से ही बड़ा प्यार होता है, तो जिनको अपनी देह से ही ज्यादा प्यार होगा उनको अंत समय में क्या याद आएगा? अपनी देह याद आ जाएगी। अगर स्त्री है तो अगला जन्म स्त्री चूल्हे का ही मिलेगा, अगर पुरुष है हट्टा कट्टा
सौंदर्यवान गोरा चिट्ठा है और सारा जीवन वो याद आता रहा अपना शरीर, तो अंत समय में क्या बनेगा? वो ही पुरुष चोला याद आएगा और पुरुष जन्म लेना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं अपनी देह भी याद ना आए और कोई की भी देह याद ना आवे, ये अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। क्या? कोई की भी देह याद ना आवे, ये अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। सिर्फ एक बाप ही याद रहे। तो दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे उसमें तुम्हारा ही कल्याण है। ओम शांति।